लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू फिश लवर्स जस्ट फिर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों मेरे फार्म के जितने भी फिशेज है वो आप सब लोगों को शो कराऊंगा और बहुत सारे अपडेट आप सब लोगों को बोलूंगा। तो आप सब लोग क्या करो, वीडियो देखते रहो वीडियो स्किप करके। तो फर्स्ट जो फिश आप सब लोग दिखाई दे रही है, ये फिश का नाम है चिली मोज़ेक स्मॉल ईयर। तो चिली मोज़ेक स्मॉल ईयर का क्वालिटी आप सब लोग देख रहे हो। मैं आप सब लोगों को जो है एक सिंगल फिश पकड़ के आप सब लोग दिखा रहा हूँ। तो सिंगल फिश का क्वालिटी देख कर समझ रहे हो इसका क्वालिटी कितना बेहतरीन है। तो जितने भी लोग क्वालिटी पहचान तो वो लोग समझ रहे हो इसका क्वालिटी कैसे। आप सब लोग काइंडली कमेंट करके बोलना ये चिली मोज़ेक स्मॉल ईयर का क्वालिटी आप सब लोग कैसे लगा। ये सेम क्वालिटी का चिली मोज़ेक स्मॉल ईयर आप सब लोगों को मैं दे पाऊंगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। तो प्राइस क्या है वो जानने के लिए आप सब लोग डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे आ जाओ। मैं व्हाट्सअप पे आप सब लोगों को सारे डिटेल्स सारे इन्फॉर्मेशन ऊपर दे पाऊंगा। और ये सारे फीस जो है मैं आप सब लोगों को क्वांटिटी पे दे पाऊंगा, होलसेल क्वांटिटी पे। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए वो भी आप सब लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चिली मोज़ेक स्मॉल ईयर अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो आप सब लोग जल्दी से कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करके ये सारे फ़िश लो। नेक्स्ट जो फिश आप सब लोग दिखाऊंगा ये फ़िश का नाम है ब्लैक बेलून मॉली। तो मॉली बेलून मॉली वन ऑफ माय फेवरेट फ़िश है। तो ब्लैक बेलून मॉली का स्टॉक बहुत कम है, लास्ट 10 पेयर मेरे पास अवेलेबल है। मैं जो है ब्लैक बेलून मॉली 20 पेयर स्टॉक किया था, सारे जो है उसमें हाफ ही निकल गया, ठीक है। और बाकी 10 पेयर अवेलेबल है, 8 to 10 पेयर में एकदम अच्छे से काउंट करके मैं आप सब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, 8 to 10 पेयर अवेलेबल है। तो आप सब लोग अगर होलसेल रेट पे लेना चाहते हो मेरे घर पे आके लेना पड़ेगा। मेरा घर का लोकेशन है मुद्दुम ग्राम, ठीक है। ये अब शियालदा से डायरेक्ट आ पाओगे तो अब मेरे घर पे आओ, आके ये सारे फिश ले जाओ। ये मैं कुरियर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। मोली फिश मैं कुरियर नहीं करता हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेड गप्पी जो है वही मैं कुरियर करता हूँ, ठीक है। बिकॉज मोली फिश का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन करके कुरियर ऑफिस में मैं भेज नहीं पाऊँगा। इसीलिए मोली फिश अभी के लिए कुरियर नहीं हो रहा है। आप सब लोगों को जो है गप्पी फिश इम्पोर्टेड गप्पी जितना होता है वो सारे को जो है मैं कुरियर कर दे पाऊँगा। तो आप सब लोग इम्पोर्टेड गप्पी के लिए कॉन्टैक्ट करो, मैं आप सब लोगों को इम्पोर्टेड गप्पी प्रोवाइड कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये है मेरा ब्लैक बेलून मॉली का कंडीशन। आप सब लोगों का चाहिए लास्ट के 10 पेयर अवेलेबल है, आप सब लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, करके ये सारे फिश लो, ठीक है। तो नेक्स्ट आप सब लोगों को मेरा चिली मोज़ेक वी गियर दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये जो चिली मोज़ेक वी गियर, ये मेरा बहुत ज़्यादा सेल में ये फ़िश को किया है, ठीक है। बिकॉज ये फ़िश का डिमांड मार्केट पे बहुत ज़्यादा आई है। तो ये फ़िश अभी के लिए तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं आप सब लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँगा। बिकॉज इसका जो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉट का बेबीज़ है वो ऑलरेडी रेडी हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट लॉट में कुछ बेबीज़ मैं रख दूँगा मेरा बूडर हिसाब से, मतलब बूडर करूँगा कुछ और उसमें कुछ सेलिंग करूँगा। और सेकेंड लॉट जितना भी होगा मैं पूरा ही आप सब लोगों को सेल कर दूँगा। तो आप सब लोग समझ पा रहे हो इसका प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है और बेबीज़ का ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत जल्दी से ही मेरे को जो है ग्रोथ रेट मिल रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है फ़िश। आप सब लोगों को एक वीडियो पे तो शो करके दिखाया, हाँ। आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा। मेरा चिली मोज़ेक बी गियर का जो बेबीज़ का साइज़ है वो आप सब लोग वो वीडियो पे देख पाओगे कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आप सब लोगों को जो है इसका फ़ीमेल दिखाऊँगा। तो फीमेल का साइज़ देखो व्यूअर्स लोग, ये फ़ीमेल को देख के मेरे को लग रहा है ये फीमेल से लगभग मेरे को 50+ 50+ बेबीज़ मिलेगा। आप सब लोग कमेंट करके बोलो कितना बेबीज़ ये फीमेल से मेरे को मिल सकता है, ठीक है। इसका बेली देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोड हो गई है, मैं अच्छे से देख रहा हूँ, ठीक है। ये लाइक ड्रॉप्सी वगैरह ये सब हुआ है क्या, नहीं, लेकिन ऐसे कोई डिजीज़ नहीं है। हाँ, ड्रॉप्सी होने पे क्या होता है, उसका जो बॉडी के ऊपर, ठीक है, जो उसका स्काल रहते वो एकदम सीधा सीधा हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ भी बात नहीं है, एकदम टोटली एक लोडेड है। तो अगर इससे बेबीज़ मिलता है तो बहुत सारे बेबीज़ मिलेगा, वो एक बहुत बढ़िया अपडेट होगा, ठीक है। तो जितना भी बेबीज़ मिलता है आप सब लोगों, तो मैं अपडेट दूंगा मेरे चैनल के ज़रिए। तो आप सब लोग क्या करो, भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो। और भाई के चैनल पे व्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा ग्रो, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो आप सब लोग काइंडली वीडियो को देखो भाई, पूरा वीडियो देखो, वीडियो स्किप मत करके पूरा वीडियो देखो, हाँ। तो इम्प्रेशन भी ज़्यादा आएगा, लोग वीडियो देखेगा भी, ठीक है। ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाएगा तो आप सब लोग वीडियो देखो, हाँ, इतना ही बोलना है। तो नेक्स्ट जो फ़िश आप सब लोग दिखाऊंगा और आप सब लोग देख रहे हो, ये फ़िश का नाम है रूबी रेड बेलून प्लैटी। ओके, रूबी रेड बेलून प्लैटी और रेड बेलून मॉली आजकल मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और मेरे पास भी ये अवेलेबल है। बहुत जल्दी मैं आप सब लोगों को ये प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो आप सब लोग क्या करो, चैनल के साथ बने रहो। और किस किस को ये फ़िश चाहिए आप कमेंट करके बोलो, भाई मेरे को रूबी रेड बेलून प्लैटी चाहिए, हाँ चाहिए, ये बोल के आप कमेंट करो। अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, मेरे कमेंट
कमेंट पे जो है बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हो, तो उसके बाद ही जो है मैं सेलिंग पोस्ट करूँगा इसका, उसके पहले जो है मैं सेलिंग पोस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। आप सब लोगों का कमेंट चाहिए, आप सब लोग कमेंट नहीं कर दो ऐसे करके चला जाए तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाते, ठीक है। आप सब लोग कमेंट करो, ओके। आपको अगर बुरा लगता है वीडियो, एक दादा ने कमेंट करके बोला भाई आपका व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहा है, चैनल डाउन हो गई, अब दूसरा कुछ करो, ठीक है। मतलब फार्म को कुछ ग्रोथ करो या फिर वीडियो का क्वालिटी चेंज करो, ऐसे मेरे को सजेशन देता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ जब लोग थोड़ा बुरा तरीके से भी मेरे को बोलता है ना, दादा तुम्हारा ये चीज़ भूल हो रहा है, ये चीज़ तुम गलती कर रहे हो, ये अगर मेरे को कोई भी बोलता है उसमें भी मैं मज़ा मेरे को बहुत आते हैं। तो आप सब लोग भी काइंडली अगर कुछ भी ख़राब लगता है वीडियो देख के, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कमेंट करो, मैं उस मतलब ठीक करके अच्छे से वीडियो आप सब लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यही बोलना है, और आप सब लोग मेरा जो रूबी रेड बैलून प्लेटी है इसका बॉर्डर का साइज़ देख सकते हो, एकदम टोटली जो है राउंड शेप हो गई है, ठीक है। और इसमें से भी मेरे को बेबीज़ मिलेगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टैंक दिखाऊंगा, ये टैंक पे जो है मेरा रेड ड्रैगन है, और रेड ड्रैगन का भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। रेड ड्रैगन का मेल को हाथ में पकड़ के आप सब लोग दिखाऊंगा, और ये रेड ड्रैगन को जब छोड़ा था, ठीक है, मैं फिश टैंक पे जब छोड़ा था उस टाइम पे एक वीडियो बना के मैं पोस्ट किया था। रेड ड्रैगन को जो है मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रेड ड्रैगन था मेरा फर्स्ट जो फार्म में किया था घर के साइड पे, उस टैंक से जो है मैं ये बाहर पे जो आउटडोर मतलब एकदम आउटडोर में जो सेटअप है उसमें मैं शिफ्ट किया है। तो उस टाइम का एक वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप सब लोग देख लेना, ठीक है। वो वीडियो देख के भी मज़ा आएगा आप सब लोगों को। तो ये है मेरा रेड ड्रैगन का टैंक, और रेड ड्रैगन के टैंक पे आप सब लोग प्लांट्स देख सकते हो। और ये जो टैंक है, ये टैंक पे मेरा HB ब्लू गप्पी है, ठीक है। HB ब्लू गप्पी का कंडीशन अच्छा है, मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, बिकॉज जितने मतलब जब तक मेरे को बेबीज़ नहीं मिलता है HB ब्लू गप्पी से, उस टाइम तक मैं नहीं बोलूँगा इसका अपडेट अच्छा है। लेकिन इसका जो फीमेल है, फीमेल दो है, तो दो फीमेल ही एक लोडेड है, मेरे को लग रहा है दो फीमेल से बेबीज़ मिलेगा बहुत जल्दी, ठीक है। अगर बेबीज़ मिलता है तो आप सब लोगों को तो ज़रूर अपडेट दूंगा, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरे को HB ब्लू का बेबीज़ मिला, आप सब लोगों को हाइड करके रखूँगा, जो भी होगा आप सब लोगों के साथ शेयर करके ही मेरा चैनल जो है ग्रो होगा, ठीक है। ऐसे कुछ बात नहीं है, मैं कुछ भी छुपाऊंगा आप सब लोगों को, ठीक है, सारे चीज़ मैं आप सब लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये जो रेड ड्रैगन है, ये रेड ड्रैगन को लेकर मेरा बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, बिकॉज ये रेड ड्रैगन को बहुत दिन से कर रहा हूँ, हर कोई नहीं करता है, हर लोग नॉन रिवॉन वाला करता है, मैं रिवॉन वाला रेड ड्रैगन कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे को जो है इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बेबीज भी कम मिल रहा है, ठीक है। फिर भी जो है मेरे को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये उम्मीद लेके ही मैं फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी फ़िश मैं लेकर आता हूँ ऐसे तो उम्मीद रखता हूँ इसमें से जो है मेरे को एक अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। तो आप सब लोग भी ऐसे मोटिवेशन रखो, रख के फ़िश कल्चर करो, बहुत मज़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो फ़िश आप सब लोग दिखा रहा हूँ, ये जो फ़िश है इसका नाम है वायलेट मॉस्को, तो इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये मैं जस्ट कुछ दिन लेके जो है ये टैंक पे छोड़ दिया, ठीक है। आप सब लोगों को तो सारे चीज़ दिखा है वायलेट मॉस्को का, जो लोग मेरा वीडियो देखते हो, एक एक करके वीडियो देखते हो, वो लोगों को मालूम है मैं कितना दिन वायलेट मॉस्को लेके आया हूँ, लेके आने के बाद ये बड़ा टैंक पे कितना दिन पहले मैं छोड़ा है, ठीक है। ये बड़े टैंक पे लाइक 2 से 3 हफ्ते ही मैं छोड़ा है, तो ये 2 से 3 हफ्ते में ही आप सब लोग देख सकते हो एकदम जो है उसका जो नेचुरल जो क्या बोलूँ इन्वायरमेंट है वो मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं ऐसे ही टैंक सेटअप करने की कोशिश किया, उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो मिले, तो मेरे को लग रहा है वो सब हैप्पी है। तो आप सब लोगों को ये टैंक देख के क्या लग रहा है, फ़िश हैप्पी है या नहीं, आप सब लोग बोलना, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे बेबीज़ भी लेके आए, ठीक है, वायलेट मॉस्को ने, और बेबीज़ का साइज़ भी बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अपडेट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये टैंक से मेरे को एक बहुत बढ़िया एक रिस्पॉन्स मिलेगा, जो भी रिस्पॉन्स मिलता है आप सब लोगों को तो ज़रूर शेयर करूँगा फिश लवर जसवीर यूट्यूब चैनल पे, ओके। ये टैंक पे जो है 1000 लीटर पानी आराम से रहेगा, लेकिन मैं उतना ज़्यादा पानी नहीं दिया है, बिकॉज गप्पी फिश को उतना डीप वाटर नहीं लगता है, ठीक है। गप्पी फिश को अगर आप 4 से 5 इंच ऐसे भी डीप वाटर पे रख दोगे वो आराम से वहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, अच्छे से कल्चर होगा। तो अब जितना भी कम पानी पे उसको कल्चर कर पाओगे, और ये जो विंटर का सीज़न है, ये विंटर का सीज़न पे जो है आप टैंक जब एक टैंक का पानी जब एक्सचेंज करो उस टाइम पर ज़्यादा पानी मत दो, कम पानी दो, ठीक है, उसमें जो है अच्छा होगा, ठीक है, गप्पी के लिए। तो नेक्स्ट जो फिश आप सब लोग दिखाऊंगा, ये फ़िश का नाम है गैलेक्सी ब्लू, ठीक है। गैलेक्सी ब्लू का क्वालिटी
बहुत बढ़िया है और इसमें से जो है बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला है, बहुत सारे बेबीज़ मेरे को मिला है, ठीक है। तो कितना सारा बेबीज़ मेरे पास है और गैलेक्सी ब्लू का कंडीशन क्या है वो आप सब लोग दिखाऊंगा। तो आप सब लोग क्या करो, वीडियो देखते रहो। आप सब लोग देख सकते हो, ये है मेरा गैलेक्सी ब्लू का फीमेल। तो फीमेल का बेली आप सब लोग देखो, ये टोटली एक लोडेड है। बहुत जल्दी इसमें से जो है मेरे को बेबीज़ मिलेगा और आप सब लोग को जो है इसका मेल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग देखते रहो, ठीक है। लेकिन मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव है फिश, मैं पकड़ नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो फिर भी आप सब लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब लोग देखते रहो वीडियो। तो आप सब लोग देखो, ये है मेरा गैलेक्सी ब्लू का मेल और मेल का कलर एंड क्वालिटी आप सब लोग देख सकते हो। तो इसका जो है फर्स्ट एंड सेकेंड नोट पर बहुत सारे बेबीज़ मेरे को मिला है, उसका क्वालिटी कैसे आएगा, कलर अगर नहीं आता है तो उसमें जो है मैं आप सब लोगों को नहीं बोल पाऊँगा। जब कलर आ जाएगा आप सब लोगों को, ये गैलेक्सी ब्लू का फर्स्ट लॉट एंड सेकेंड लॉट का बेबीज़ का क्वालिटी कैसे है वो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सब लोग चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक बार मैं आप सब लोगों को याद करा देता हूँ, आप सब लोग सब्सक्राइब करके रखो। हाँ, इतना ही बोलना है। तो मेल का क्वालिटी आप सब लोगों को कैसा लग रहा है, बॉर्डर मेल का आप सब लोग कॉमेंट करके बोलना, ठीक है। तो ये जितना भी गैलेक्सी ब्लू आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारे गैलेक्सी ब्लू मैं आप सब लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है। फिशेस को रेडी होने में जस्ट लाइक वन मंथ लगेगा, ठीक है। वन मंथ के पहले भी हो सकता है, अगर उसका ग्रोथ रेट अच्छा होता है, फीडिंग ठीक ठाक मैं दे पाता हूँ तो उसका ग्रोथ रेट अच्छा होगा, तो आप सब लोगों को मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो आप सब लोग कुछ दिन वेट कर जाओ, आप सब लोगों को फिशेस जो है मिल जाएगा। तो ये है मेरा सेटअप, देख सकते हो, ये मेरा ओल्ड सेटअप है। तो ये सेटअप को जो है मैं चेंजेस करूँगा बहुत जल्दी। इसमें कैसे चेंजेस करना चाहिए, आप सब लोग अगर कुछ भी सजेशन देना चाहते हो आप सब लोग कमेंट करके बोल सकते हो। यहाँ पर जगह उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन सेटअप कैसे करने से और भी अच्छा दिखाई देगा वो आप सब लोग प्लीज़ मेरे को बोलो। मैं आप सब लोग जैसे भी बोलोगे मैं उससे सेटअप करने की कोशिश करूँगा। तो भी आप लोग बहुत ही बढ़िया एक चीज़ आप सब लोग दिखाऊँगा, ये है डाफनिया। आप सब लोग देख सकते हो, मेरे को जो है डाफनिया मिला है एकदम स्मॉल क्वांटिटी पे। तो कभी कभी आप सब लोग ऐसे डाफनिया मिल सकता है आसपास के पॉन्ड पे, आप सब लोग थोड़ा देखते रहना। तो मिलने के बाद आप सब लोग कैसे प्रोसेस करके खिलाओगे फिश को, ऐसे ही मिल गया मतलब पॉन्ड से आप डायरेक्टली डाफनिया मिल गया उसके बाद जो है उसको डायरेक्टली आपके फिशों के टैंक पे दे दिया, ऐसे नहीं है। आपको कुछ काम करके उसके बाद ही फिशेस को देना है, ठीक है। तो कैसे डफनिया को प्रोसेसिंग करके आपको फिशेस को खिलाना है वही दिखाऊंगा आज के वीडियो के माध्यम से। तो आप सब लोग क्या करो, वीडियो देखते रहो विदाउट स्किप करके, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा। तो वीडियो आप स्किप मत करके देखो, ठीक है। जितना भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप पूरा देखने की कोशिश करो, इतना ही बोलना है। तो आप सब लोग देख ही सकते हो, ये डफनिया को मैं लेके आया। तो अभी जो है दो तीन काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा वो आप सब लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सब लोग देखते रहो। तो डफनिया को जो है अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, उसके पहले जो डफनिया का नेट है उसको आप अच्छे से क्लीन करो, ठीक है। बिकॉज आप पॉन्ड का जो पानी है वो डायरेक्ट डफनिया के नेट में रह सकते और उस पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया ये सब खराब बैक्टीरिया रह सकते। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लो नेट को, डफनिया नेट। उसके बाद सारे डफनिया को जो है नेट पे दे दो, नेट पे दे के आप फ्रेश वाटर दो, जैसे मैं दे रहा हूँ। मैं वन टाइम फ्रेश वाटर दिया, टू टाइम दिया, ठीक है, ऐसे इतना ही इनफ है और ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करो, एक टब में थोड़ा सा फ्रेश वाटर लो, एकदम फ्रेश वाटर लेने के बाद जो है डफनिया को वो टब पे छोड़ दो, ठीक है। मैं छोड़ के आप सब लोग दिखा रहा हूँ कैसे दिखाई देती है, ओके। तो व्यूअर्स लोग देख सकते हो, ये है अल्टीमेट रिजल्ट। तो डफनिया देखो व्यूअर्स लोग, कितना सारा डफनिया है, ठीक है, और कितना ज़्यादा क्लीन हो गई है। तो आप सब लोग ऐसे डफनिया को मतलब अगर मिलते हैं आपको तो पकड़ के ही डायरेक्ट मत खिलाओ, अब क्लीन करके उसके बाद ही खिलाओ, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे खराब बैक्टीरिया, बहुत सारे कीटाणु उसमें रह सकती है, तो वो अच्छे नहीं है फिशेस के लिए। तो आप जो है डफनिया को क्लीन करके उसके बाद ही आपके जितने भी फिशेस है उसको खिलाओ डफनिया। और डफनिया से क्या फ़ायदा है वो तो आप सब लोग ही जानते हो, डफनिया कितना ज़रूरी है फिशों के लिए, फिशेस का जो बेबीज़ है वो प्रोडक्शन करने के लिए। तो आप सब लोग डफनिया पकड़ के खिलाओ। मेरे को जो है बहुत दिनों के बाद फिर से थोड़ा सा क्वांटिटी डफनिया मिला है मेरे साइड के जो पॉन्ड है वहाँ से, ठीक है। अगर आप सब लोग कोई मेरे फार्म पे विजिट करना चाहते हो, अगर करते हो उस टाइम पे मेरे को अगर डफनिया मिलता है, आप सब लोग अगर बोल के रखते हो, आप सब लोग के लिए कुछ क्वांटिटी डफनिया मैं रख पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी डफनिया रखो अपने फार्म पे, डफनिया कल्चर करने की कोशिश करो। तो डफनिया कल्चर करके आपके फिशेस को खिलाओ, ठीक है। तो कुछ डफनिया जो है ये टैंक पे दे दिया, कुछ ये जो बेबीज़ का टैंक है
इसमें भी दे देंगे। और डाफनिया अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी दे दोगे ना टैंक पे, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या होता है, बेबीज़ अगर नहीं खा पाते तो डाफनिया आसपास में घूमता रहते, उसके बाद बेबीज़ का जब फिर से भूख लगते उस टाइम पे वो खा लेते, ठीक है। तो अल्टीमेटली वेस्ट नहीं होता है डाफनिया। तो कुछ डाफनिया जो है मेरा बड़ा वाला जो टैंक है उसमें दे दिया। इसमें बहुत सारे फिशेज़ है, बहुत सारे वायलेट मॉस्को है, तो सारे वायलेट मॉस्को जो है खा पाएगा, बड़ा वाला भी खा पाएगा, बेबीज़ वाला भी खा पाएगा, ठीक है। मतलब फूडों का जो है कुछ कम नहीं होगा, मतलब अगर भूख लगता है फिश फूड भी नहीं रहते तो डफनिया खा के वो लोग ज़िंदा रह पाएगा, ठीक है। और आप सब लोग देख सकते हो ये जो टैंक है, यहाँ पर मैं डफनिया कल्चर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा डफनिया कल्चर टैंक है आज के बाद, ठीक है। ये डफनिया कल्चर टैंक को मैं जो है नहीं हटाऊँगा, ये सिर्फ डफनिया के लिए ही होगा, ठीक है। हाँ, और आप सब लोग को ये कल्चर टैंक का अपडेट तो मैं ज़रूर दूंगा। ऑलरेडी मैं स्टार्टर के हिसाब से मैं दे दिया इसमें कुछ डफनिया। मेरे एक दादा ने जो है मेरे को थोड़ा सा डफनिया दिया था, वो डफनिया को मैं क्या ये जो कल्चर टैंक है उसमें दे दिया। कुछ भी मतलब एक भी डफनिया जो है मैं फिशेस को नहीं खिलाया, मैं ये जो सेटअप किया है कल्चर के लिए उसमें ही दे दिया। और अभी मिला है जो जितना वो भी दे दिया। तो आई होप इसमें बहुत सारे डफनिया ऑलरेडी है और यहाँ पर अच्छे से कल्चर होगा। जो भी होता है आप सब लोगों को अपडेट दूंगा। आप सब लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, इतना ही बोलना है।